करिश्मा सिंह। आज हम औरंगाबाद बिहार के सत्य प्रकाश आर्ट्स क्लासेस में मौजूद हैं, जहां हम चल रही मैट्रिक की परीक्षाओं को लेकर बात करेंगे, जिसमें हम छात्र छात्राओं को जानकारी देंगे कि वो अपनी किस तरीके से तैयारियों का उपयोग करें, किस तरीके से प्रश्न को हल करें और कितने समय में करें, साथ ही किन प्रश्नों पर उन्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ सारे विषयों के विशेषज्ञ सर बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे। सर, आपका परिचय। सिद्ध योग न्यूज के ऑल टीम को मेरे संस्था की ओर से बहुत बहुत बधाई, और कि आज आप एक छोटे सा संस्थान में आकर और एक जो बच्चे को प्रेरणा स्रोत, जो अपनी जो भाव अनुभव है, जो अभी जो बच्चे को मैट्रिक का इम्तिहान चल रहा है, पहले बात तो बच्चे लोग को वो एक शांति प्रिय होकर प्रिकॉशन रहकर परीक्षा हॉल में जाकर और मन को शांत कर एकत्र होकर एग्जाम देना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई नकारात्मक सोचना है। खास करके जो छात्राएं होते हैं उनके मन में डर बना हुआ रहता है कि चेकिंग आएगा, ये आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं, वो सब अलग चीज़ है। आप अगर अच्छे से अगर मेहनत किए हैं, अच्छे से प्रिकॉशन करके पढ़े हैं, आपको जो अध्यापक अच्छे से पढ़ाए हैं, तो आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। सर की बात को सबसे पहले आपसे निरोध है कि मतलब जो बच्चे हैं वो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और शॉर्ट लाइट मतलब कम से कम टाइम में 20 से 25 मिनट में क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें, और जो उनके जो आपको जो मेन जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन मेरा से बन जाएगा, उसके बाद दीर्घ क्वेश्चन पर ना बनाइए, अति लघु तरीके क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपको किसी भी क्राइटेरिया के मन ना मतलब क्या कहते हैं उसको डर भय न बना रहे और शांति प्रिय होकर एग्जाम दीजिए। और मैं अपने बच्चे से और मेरे जितने भी छात्र छात्राएं हैं सबको यही प्रिकॉशन करके भेजा है, बताया गया है कि आप किसी तरह से भयभीत ना होए और शांति प्रिय रूप होकर आप एग्जाम दीजिए और आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ये मेरा काम। आपकी क्लासेस में काफी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, आप उनको किस तरीके से तैयारी करवाए हैं? ऑन टाइम रहते लास्ट अक्टूबर तक अपने सिलेबस को पूरी खत्म कर दिए थे। इसके बाद सेट प्रैक्टिस नवंबर से स्टार्ट हो, सेट प्रैक्टिस प्रतिदिन होता था, टेस्ट क्यूज हर दिन होता था, जिससे बच्चों में एक उत्सुकता आया और बच्चे हर एक टॉपिक को क्लियरफाई करके समझे और अच्छी तरह से जिस तरह से मैट्रिक का इम्तिहान में क्वेश्चन आता है उसी तरह से उस प्रकार के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर सेट लगाकर उन लोगों को पूरी तरह से तैयारी को पूरा करवाए। कल पहला परीक्षा का पहला दिन था, मैथ्स था, आपके पास जो भी बच्चे होंगे वो बताए तो होंगे कैसा प्रश्न आया था, उनका एग्जाम कैसा गया? और कुछ बच्चे का तो प्रीव्यू आया कि सर हम तो क्वेश्चन को मात्र 2 घंटे में पूरा क्लियर कर दिए, और कुछ बच्चियाँ ऐसे थे हैं जिनको बताएं सर कि हम अकबकाहट हो रहा है, बस क्वेश्चन को देखते हैं, जो मेरा प्रैक्टिस था इसे देखते लगा कि नहीं अब क्वेश्चन हम ज़्यादा टफ नहीं है और क्वेश्चन भी ज़्यादातर मॉडरेट क्वेश्चन पूछ रहा है, ज़्यादातर ईजी भी नहीं है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, इसलिए बच्चे अच्छी तरह से वो अपने एग्जाम को दिए हैं और देखिए संभावना है कि अच्छा रिजल्ट ही आएगा। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ सत्य प्रकाश आर्ट्स क्लासेस के शिक्षक मौजूद थे, जिन्होंने बच्चों को तैयारियों से लेकर प्रश्न कैसे आएंगे, कौन सा प्रश्न पहले हल करना चाहिए, सभी जानकारियाँ दी, साथ ही बच्चों को बताया कि किस तरीके से परीक्षा में तैयारी करके जाए, किस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन अंकित के साथ मैं करिश्मा सिंह, क्षितियोग न्यूज़, औरंगाबाद बिहार।